आज हम दोनों एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज के वीडियो का विषय है BSTC, जिसे DLED के नाम से जाना जाता है। इस एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा है और क्या मतलब क्यों यह एग्ज़ाम देना है और किस प्रकार की रणनीति से इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करते हैं। एक एग्ज़ाम होता है BEd, प्री BEd का, जिस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। एक है ये BSTC का। तो इन दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा करें तो कौन सा बेस्ट है और कौन सी डिग्री किस प्रकार से उपयोगी है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो DLED या BSTC है, ये 2 वर्षीय कोर्स है और BEd है जो 12वीं के बाद 4 वर्षीय कोर्स। एक तो समय ज़्यादा लगता है और अगर किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी की जरूरत है, जैसे 12th की और उसकी उम्र 18 साल है, 2 साल का STC कोर्स करके 21 साल की उम्र में वो आराम से नौकरी कर सकता है। और इसमें कम खर्चे में और कम समय में जो सरकारी नौकरी पाने का और रुतबेदार नौकरी पाने का, अच्छा पे ग्रेड पाने का एक ही जरिया है, वो है BSTC। मैं तो इसकी रिकमेंडेशन करता हूँ। जो शिक्षा विभाग में आने चाहते हैं, बाकी तो अलग जॉब है जो कर सकते हैं, लेकिन जो जिन्हें पसंद हो कि मुझे पढ़ाना पसंद है, शिक्षक बनना पसंद है, उनके लिए ये 12th पास अच्छा। के बाद सबसे बेस्ट नौकरी ये है। 12th पास के बाद जो भी नौकरी आ रही है, इस 3600 पे ग्रेड में कोई भी नहीं है और सबसे बेस्ट नौकरी ये है। और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं और नौकरी भी नोबल नौकरी है, रुतबेदार नौकरी, और शैक्षिक कार्य में आपका भविष्य आराम से आप बना सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप। IAS से लेकर के दूसरे जो भी जॉब के साथ रहते हो, आप आराम से टेस्ट दे सकते हो और आराम से सिलेक्शन होते हैं। जी अब इस पेपर पैटर्न पर बात कर लेते हैं, तो ये किस प्रकार से, और परीक्षा की तिथि की बात करें तो आवेदन अभी तक आए नहीं है, लेकिन संभावित है कि मई या जून तक आवेदन आएंगे और परीक्षा जो है वो जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार वाला जो एग्ज़ाम है वो भी लेट हुआ था और इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा धीमा चल रहा है, इस वजह से ये थोड़ा लेट। लगभग आपको इसमें 2 से 2.5 महीने आराम से तैयारी का समय मिलता है, जो उधर नहीं मिल रहा पा रहा था BEd के एग्ज़ाम में। तो इसमें 2 से 2.5 महीने आराम से कोई भी बच्चा जिसने आज दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो इसकी तैयारी करके आराम से सिलेक्शन पा सकता है। और रही बात दोनों के एग्ज़ाम की, तो उस जो BEd वाला एग्ज़ाम है और BSTC वाला एग्ज़ाम, इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। अंतर मेंटल एबिलिटी सेम है दोनों की, जो इसमें भी 4 पार्ट है, उसमें भी 4 पार्ट है। प्रत्येक के 50 सवाल है, उनमें भी 50 सवाल है। प्रत्येक के 150 अंक है, पर वहाँ भी 4ों के 150 अंक, तो 300 जो पार्ट हो गए 4 और 50, 200 क्वेश्चन हो गए पेपर में, और उधर भी 200 क्वेश्चन पेपर है, और अंक है वो भी वहाँ 200 × 3 = 3, और 600 अंक हो गए, यहाँ भी 600 अंक है बराबर है। पर सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है, लगभग 25-30% अंतर आएगा। वो वहाँ पर लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में यूँ है कि जो अपने प्री BEd का था उसमें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में थे कि दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन इधर आते हैं तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो दोनों कंपलसरी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में से ऑप्शन है, और संस्कृत उन्हीं को लेना होता है जिनके संस्कृत शिक्षा विभाग में जाना है या जो संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और दूसरा अंतर है वो इसमें आएगा जनरल एवेंस ऑफ राजस्थान, यहाँ केवल राजस्थान का जिक्र है, उसमें वहाँ पर भारत का इतिहास है और करंट अफेयर्स है, यहाँ करंट अफेयर्स नहीं है। राजस्थान का जीके वहाँ भी है, राजस्थान का जीके यहाँ भी, और वहाँ राजस्थान जीके कम है, यहाँ पर राजस्थान जीके, यहाँ पूरा 50 प्रश्न है जो राजस्थान जीके में आएंगे और केवल राजस्थान ही पढ़ना, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। ये तो रहा मोटा मोटा जो परीक्षा में अंतर था वो बता दिया। अब इसमें एक फायदे वाली अगर बात हम देखें तो BSTC का मतलब जल्दी नौकरी लगने का एक है, एक इसमें दो ही जैसे साल लगे, एक है कि BEd का फायदा है वो देखें तो उसमें आप जैसे 4 साल लगे BEd करने में, लेकिन उसके बाद आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, थर्ड ग्रेड के लिए तो होते ही होते हैं उसके साथ ही, और अगर MM प्रवेश ले लेते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे BSTC ही करनी है तो उसके साथ भी आपके पास ऑप्शन है कि आप BA कोटा यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो ये जो पैरेलल BA आप कोटा से कर लो, और ये दोनों डिग्री साथ कर सकते हैं, आप एक प्राइवेट डिग्री कर दो, एक रेगुलर, तो ये DLED तो रेगुलर होती है, ये हो जाएगी, और प्राइवेट वाले आपकी दोनों मान्यता प्राप्त डिग्रियां हैं और इनका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। पहली बात, नौकरी जल्दी कैसे लगता है, इसका कारण ये है कि जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद आए मान लो 10,000 में से 5,000 आए BSTC वालों के लिए और 5,000 आए BEd वालों के लिए। BEd वाले तो 5,000 में से बदल जाएंगे, कुछ होंगे वो सामाजिक के आएंगे, कुछ गणित के आएंगे, हाँ, विज्ञान के आएंगे, कुछ अंग्रेजी के आएंगे, सब्जेक्ट बदल जाए, पर यहाँ पर जो भी 5,000 पद है सीधे एक ही BSTC वाले, उनमें कोई विभाजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मौके नौकरी लगने के, जहाँ तक मेरा विचार है। जी जी। अब अपने पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लें, आप बताओ। जी, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का पार्ट है जिसमें रीजनिंग है,
और ये दो वस्तुओं के बीच में आंशिक समानता असमानता का टॉपिक है या फिर तार्किक योग्यता विभेदीकरण, इस प्रकार के सवाल आएंगे और उसमें तार्किक चिंतन वगैरह रहेगा जो नॉर्मली आप PTET और इस STC वाले एग्जाम दोनों के लिए आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं। और सवाल जो आते हैं उसमें हमारे पास ये पेपर है, तो इस पेपर के अगर सवालों को देखा जाए तो एक जैसे सवाल इसमें लिखा हुआ है कि चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है, खाली जगह दे दी, तो इसमें चार ऑप्शन दिए, तबाही, नाश, नदी, अवशुका। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है कि चक्रवात का विलोम शब्द क्या है, प्रति चक्रवात, तो यहाँ पर बाढ़ का विलोम क्या होगा, सूखा, बाढ़ यानी ज़्यादा पानी जहाँ हो जाए और सूखा यानी जहाँ बिल्कुल बारिश ना हो। तो इस प्रकार से ये विभेदीकरण का सवाल हो सकता है और इसी प्रकार से मैथ का ये सवाल है जो आप बताए। ये जो मेंटल एबिलिटी उसमें मैथ के भी काफ़ी सवाल आते हैं, 50 सवाल में 20 से 25 सवाल आपको मैथ के संबंधित मिलेंगे और मैथ भी सामान्यतः अंकगणित वगैरह आएंगे और या ग्राफिकल कोई आ सकता है या आपकी जो तर्क शक्ति के साथ साथ इसमें मैथ की योग्यता प्राप्त करें, जैसे प्लस का माइनस में बदल दो और गुणा का भाग में बदल दो या जोड़ को गुणा में बदल दो, इस प्रकार के निशान बदल करके आंसर क्या आता है, ये नॉर्मल प्लस माइनस गुणा भाग जिसको आता है वो सवाल आसानी से कर सकता है। इस प्रकार का एक सवाल बिल्कुल आसान सा आया, 0.003 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो यहाँ क्या करना, सीधा सा गुणा करना है, 3 और 2 का गुणा हो गया 6 और पॉइंट कितनी संख्या के बाद पहले लगे उन दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, तो यहाँ पॉइंट लगा था 3 संख्या के बाद और अगली में लगा 2 के बाद, 3 और 2 5, तो 6 वहाँ आ गया, आगे 5 लाने के लिए 4 0 और लगा दोगे, पॉइंट लगा दो वो आंसर हो गया। तो सामान्य सवाल है, कोई खास ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है और इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे लगभग 2 से 2.5 महीने तब आराम से ये 50 सवाल, मेरा विचार है 50 में से आप 50 भी अटेंड कर लो, सामान्य सवाल है, ज़्यादा पेपर हल कर ले और थोड़ी सी अपनी गाइड लेकर के, जैसे ये लक्ष्य की आती है DLED की और राजस्थान की देखें तो दीनदयाल पब्लिकेशन है उनकी एक ऑब्जेक्टिव आती है, इस प्रकार की किताबों से आप अध्ययन करके और प्रैक्टिस करके आराम से इसमें अच्छे मार्क्स और अच्छी कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसमें कॉलेज प्रवेश के लिए बात करें तो जो अपनी डाइट है वो सबसे बेटर है, जिसके अच्छे मौके मिलते हैं, जिसकी मार्किंग अच्छी है उनको डाइट मिलेगी और गवर्नमेंट डाइट में बिल्कुल कम फीस है और बिल्कुल सरकारी खर्चे पड़ा और स्टडी भी ज्यादा अच्छी होती है, बाकी कॉलेजों को बेहतर है जी जी। और जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा और डाइट मिलेगी, इस बात का भी आप विशेष ध्यान दें। श्रृंखला के सवाल आ गए तो इसमें श्रृंखला है 2 है 5 है 9 है 19 37, उसका अगला क्या आएगा, इस प्रकार के सवाल आएंगे। उसके बाद ये चौकड़ी वाले सवाल आएंगे, एक इसमें पैराग्राफ गद्यांश आता है, गद्यांश में कुछ डाटा दे रखेंगे, उनमें से बेटर कौन सा डाटा है उनमें बारे में पता करना, औरतें कौन सी है, पुरुष कितने हैं, आदमी में दुविधा कितनी, इस प्रकार के सवाल आते हैं जो सामान्यतः आप गद्यांश को 1-2 बार पढ़ के आसानी से हल कर पाओगे। हाँ, थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो कर सकते हैं। फिर अगले पार्ट पर बात करें तो अगला है अगला है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, तो इसमें राजस्थान की सामान्य जो जानकारी है जैसे ऐतिहासिक पक्ष क्या है, मतलब इतिहास में क्या क्या हुआ, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या था, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है तो उसमें राजनीतिक रूप से जैसे विधानसभा में सीटें कितनी है, लोकसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं, इस प्रकार के सामान्य सवाल आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, जैसे सचिव कौन है, इस प्रकार के सवाल इस पेपर में है, एक सवाल के सचिव कौन होता है तो ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक होता है, इस प्रकार के सवाल आएंगे जो हम 10th लेवल पर जनरली पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी अगर ढंग से इसकी इससे रिलेटेड जो बुक है उसको पढ़ते हैं तो अपना क्लियर हो जाता है। और इसके लिए सबसे बेटर है जो आपकी राजस्थान सामान्य राजस्थान की किताबें चलती है 9 से 12 तक की, 9 से 12 उनको पढ़ लो आप आसानी से, ये आपका GK वाला राजस्थान वाला हो जाता है और वो किताबें आसान भी पढ़ती है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है और बिल्कुल स्कूल लेवल की किताब है तो उसे पढ़ने में भी टफ नहीं लगेगा, नहीं तो गाइड देखते हैं तो एक बार उसमें ज्यादा लिखा रहता है लगातार तो नए पढ़ने वाले के लिए थोड़ी समस्या पड़ती है। आज एक किसी ने बताया था दीनदयाल पब्लिकेशन के करके बुक आती है, वो बिल्कुल बढ़िया अट्रैक्टिव बुक है और इस बुक में अगर आप देखोगे तो आनंददायक, मतलब दिया रखा है, कलरफुल है और इस प्रकार की बुक ले आओगे उसमें ये ऑब्जेक्टिव लानी है, वस्तुनिष्ठ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो आती है उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव दे रखा है, आगे वापस इसको समझा रखा है, तो जो आप लक्ष्य की इसकी प्रॉपर गाइड लाओगे DLED की उससे राजस्थान का टॉपिक जब पढ़ते हो तो उसके साथ भीमवाल पब्लिकेशन जो अभी हाल ही में बढ़िया चल रहा है उसकी आप बुक से उसके उस टॉपिक से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना जरूरी है, आप कितना ही वैसे नॉर्मली वर्णनात्मक पढ़ लोगे लेकिन जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, मॉडल पेपर कुछ हल नहीं करेंगे तब तक अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। एक पुराना पेपर है उसमें कुछ आपसे चर्चा कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन जो राजस्थान से है। तो पहला सवाल है वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती
पर 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी किस वंश ने शासन किया। ये खूब रहा था 2018 का, शायद ये डीलेट का पेपर है, उस समय चर्चा में खूब रहा था। और इसमें ये आबू के परमारों का है, तो ये आपके चार ऑप्शन गुजर प्रतिहार है, सांबर चौहान है, गोयल सिसोदिया, तो आबू के परमारों का इसका आंसर है। और ये सामान्यतः अगर आप अखबार पढ़ते हो अभी से और ये चीज़ें ध्यान रखते हो तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। एक पेपर और है, सवाल है कि वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें से अलग, तत्व नहीं है, अलग अलग हो गया। जैसे अलगोजा है, कमायचा है, जंतर है, रावणता है। हाँ। तो इसमें जो जंतर है उसमें तार लगे, कमायचा में तार लगे, रावणता में तार लगे, और ये अलगोजा है ये सुसिर वाद्य, जिसमें पुंगी टाइप के दो, पुंगी नहीं बोलते उसको, बांसुरी टाइप दो बांसुरियां होती है जिसके द्वारा बजाया जाता है। हाँ, फूंक देकर। तो इनमें आप अगर वाद्य यंत्र वगैरह पढ़ते हो तो इसमें इनसे जुड़े हुए फोटोज आप सोशल मीडिया से, ये मतलब इंटरनेट से देख सकते हो, या फिर आपके पास ऐसी बुक्स हो जिनमें इनसे जुड़े हुए फोटो दिए हुए हैं, या कहीं से भी अगर आप इनको लाइव देखते हो तो आपको ये याद ज्यादा रहेगा। अब अगला है, बात अपन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता में थोड़ा जो अपन ने बीएड वाला बताया इंटरेस्ट में, इसमें थोड़ा सा मार्किंग का अंतर है। वहां पर मार्किंग आपकी 3-2-1-0 से हो रही है, यहां पर मार्किंग आपकी केवल और 3 नंबर सीधा। इसका आंसर एक ही है, जो आपको सही आ रहा है बिल्कुल सकारात्मक वही बोलना है, और बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव है उसका आंसर सटीक है। पॉजिटिविटी रखने का उसमें बीएड वाले में क्या था, अपने 3-2-1-0 का था, लेकिन यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है। जैसे एक सवाल कोई भी यहाँ पर देख लें कि ये दिया हुआ है कि आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कठिन नहीं होना चाहिए, संप्रेषण है वो तो ये नेगेटिव है तो इसको पहले ही हम हटा सकते हैं ऑप्शन में से। दूसरा है सामान्य, तो सामान्य ठीक ठाक बात है। तीसरा है रोचक, अब रोचक हो लेकिन अगर प्रभावशाली नहीं हो तो वो काम करना ही रहेगा, इस वजह से इसमें जो प्रभावी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा और उसी को अपने को चुनना है, क्योंकि इसमें 3-2-1-0 वाला पैटर्न नहीं चलेगा। जैसे ये सवाल आया आपका, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान रहता है। ऑप्शन ए में अच्छे स्कूल का, दूसरा पाठ्य पुस्तकों का, तीसरा धनवान माता पिता का, चौथा योग्य व समर्पित अध्यापकों। अब बात करें आप समझ रहे हैं, अच्छे स्कूल होने से क्या हो जाएगा, अगर बिल्डिंग अच्छी है व फीस ज्यादा अच्छी है पर टीचर नहीं है तो कुछ पढ़ा पाएंगे, बच्चा नहीं पढ़ा नहीं, सबसे बेटर है वो बताना है। पाठ्य पुस्तक आपके पास पढ़ी है पर समझना नहीं पा रहे, स्कूलें नहीं है, टीचर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, धनवान माता पिता है तो भी शिक्षा से बच्चे का कोई लेना। यहाँ पर योग्य समर्पित अगर अध्यापक और स्कूल की बिल्डिंग कैसी भी हो कोई मायने नहीं रखता, केवल टीचर टैलेंटेड है और तो वो अपने आप उसको पढ़ा सकता है, या इस प्रकार ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर है और इसके 3 नंबर है, बाकी वाला सब 0 नंबर है। अगली अपन बात करें ये सेक्शन अभिरुचि है, इसमें भी आपके 50 सवाल थे और 50 और 150 अंक का। अगली लैंग्वेज एबिलिटी में यहाँ अंतर यह है कि 20 सवाल जो आपके आएंगे अंग्रेजी के, इंग्लिश के, और मुख्यतः अधिकतर ग्रामेटिकल सवाल है और कुछ 5 सवाल पैराग्राफ में से आ जाएंगे। ग्रामेटिकल में बात का कंप्रेंशन है, स्पोर्टिंग इरर है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल, कनेक्टिव करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस और सिनोनियम एंटोनियम वन वर्ड वाले शब्द हैं। जैसे ये कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पैसेज आएगा, पैसेज को समझ करके आप कर सकते हो। स्पोर्टिंग एरर में एक वाक्य दे रखा होगा उसमें 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्सों में से एक हिस्से में कोई ना कोई गलती होगी उसको आपको झांट लेना है। फिर आता है नरेशन, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने लगभग 5वीं या 6वीं से सीखने शुरू किए होंगे तो वो आपने प्रैक्टिस किए और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। फिर है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इनटू इन ये जो प्रयोग होते हैं अगर रूटीन में हम थोड़ी बहुत इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आराम से और इजी कोई सवाल आते हैं बिल्कुल। और पेपर देखा है मैंने, इस पेपर में थोड़ा अंग्रेजी पे चर्चा कर लेते हैं जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे इसमें से मुझे लगता है सबसे कठिन है, जो सामान्यतः जो अपने मानी जाती है या रेगिस्तान में जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए कठिन है तो अंग्रेजी, बाकी कोई कठिन नहीं। अंग्रेजी भी कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल है, उसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे कोई भी एक सवाल अपन देख सकते हैं कि इसमें ये पहले तो पैराग्राफ है पूरा, पैराग्राफ में तो 5 सवाल लगभग है, उसमें तो कुछ भी नहीं। आप जैसे 12th में बोर्ड एग्जाम में दिया है उस पैराग्राफ में से ढूंढना, ये 5 नंबर तो आसानी से मिल जाते हैं। करना यही है कि पैराग्राफ को 3 बार पढ़ना है, हमने जैसे उस पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी कि 3 बार पैराग्राफ पढ़ना है, तो यहाँ पर भी पैराग्राफ को 3 बार पढ़ के और बाद में आप आंसर्स करेंगे तो आपके लगभग सही हो जाएंगे। और इधर से जो सवाल है तो जैसे इसमें आया कि स्पेलिंग कौन सी सही, तो स्पेलिंग्स का भंडार तो अपने पास पहले से है तो उस भंडार से हम कर सकते हैं आराम से। फिर कुछ अपने विलोम शब्द आएंगे और कुछ पर्यायवाची का आ जाएगा, टेंस के जो आएंगे वो बिल्कुल सरल सवाल आपके लिए आएंगे। और ये जैसे आया है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड, ही खाली जगह स्विम व्हेन ही वाज यंग, तो ये वो जब जवान था तब वो स्विम करता था, तो इसमें क्या आएगा, माइट वुड कुड नन ऑफ दीज, ये है मॉडल का, ये सवाल है मॉडल का कि वो कब करता था स्विम, जब वो यंग था। तो इसमें
कर सकता था है, तो इसमें वुड आना चाहिए मेरे हिसाब से, पास्ट टेंस में है, वैसे वुड और माइट ये भी होंगे, लेकिन श्योर तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश की नहीं हूँ। कैन कर सकता मतलब कैन है, कैन का कुड ही होना चाहिए, जहाँ तक हमारा नॉलेज है। हाँ, बाकी थोड़ा सा इसको अगर प्रैक्टिस किया जाए तो हम कर सकते हैं इसको। 20 सवाल 20 आने चाहिए शायद, 20 सवाल है 60 नंबर के, 60 नंबर के। तो जितना इसको कठिन समझा जाता है, लोग क्या करते हैं कई बार देखा है कि ए बी बी बनने की नौबत रहती है, तो वैसे अपने को नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अंतिम मौका है, आप कुछ भी कर लेना है, पर तो ये पहले नहीं मारने, तो के अंतिम समय में जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा तब इन सवालों को छोड़ना भी नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें कर लेनी है, तो काफी अच्छे हद तक हम कर सकते हैं। तो कभी मारो तो एक अंक का मारो, ताकि जैसे ए लिखे, मान लो आपका 10 सवाल नहीं आ रहे कंटिन्यू, तुक्के की बात करें तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, या तो ए ए अगर 10 लिखेंगे तो 10 में से कम 2-3 के तो ए होंगे ही होंगे। अगर आप ए भर दिया, दूसरे में बी भर दिया, तीसरे में सी भर दिया, दोबारा ए भर दिया, तो इसकी जो प्रायिकता है वो कम रहती है। और अगर एक ए ए कर लिया, तो जहां तक मैंने देखे सवाल, तो उनमें से 10 सवाल में से कम 2-4 में मिल ही जाते हैं, तो एक प्रकार के तुक्का भी प्रैक्टिस में है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हम है ना कुछ करना चाहें तो हो जाता है, जैसे कहा जाता है कि अगर आप कुछ सफलता हासिल करना चाहते हो तो अपने इरादे मत बदलिए, तरीके बदलिए। तो अगर इंग्लिश को हम फैमिलियर कर लेंगे तो हम कर सकते हैं, तुक्के नहीं मारने पड़ेंगे, ये श्योर है। नहीं, मैं सामान्य से बात बता रहा हूँ, जो नहीं कर पा रहा, मान लो नहीं भी कर पा रहा, ऐसे जैसे कुछ बच्चे कमजोर होते, पर उनको हरास नहीं होना, कुछ नहीं अपन कर लेंगे, आई कैन डू इट, मतलब कर लेंगे, ऐसा विश्वास रखे करो और हो जाएगा आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वाला पोर्शन लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बात करते हैं हिंदी पे। हाँ, तो अगला जो है वो संस्कृत का पार्ट है, जो लगभग अपने हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, संस्कृत शिक्षा वालों के लिए है। और फिर तीसरा इसी का द भाग का तीसरा है हिंदी। तो हिंदी जो लैंग्वेज है वो आज तक हमने 12th तक जो सीखा है वो सारा का सारा यहाँ पर ग्रामेटिकल काम आने वाला है। तो ये जो अपने स्कूल की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9th से 12th तक की चलती है, उसी को अपने को ढंग से पढ़ना है, उसी से सवाल बनते हैं, उसी से ही बनते हैं। पिछले पेपर का अगर विश्लेषण किया जाए तो वहीं से आते हैं। जैसे शब्द ज्ञान है, उसमें पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द और युगम शब्द, वाक्य विचार, वाक्य तीन प्रकार के, किस प्रकार रचना के आधार पर, और वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं से 12वीं तक वाली पढ़नी है, उससे आपके सही हो जाएंगे। फिर है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप रोजाना 10 शब्द अगर अभ्यास करें, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर शुद्धिकरण, जो ये सिलेबस है इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसने गलत लिखा है, क्योंकि जो शुद्धिकरण लिखा जाता है तो उसमें करण परते जहाँ लग जाता है वहाँ पर उससे पहले वाली जो मात्रा है वो हमेशा बड़ी हो जाती है। तो ये बात आप गांठ बांध सकते हो कि करण दिख जाए, भले मानवीकरण हो, भले शुद्धिकरण हो, दीर्घीकरण हो, कोई भी शब्द हो, करण लग रहा है इसका मतलब उससे पहले वाली जो मात्रा है वो हमेशा बड़ी ई की आएगी। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वाल्मीकि है, ऐसे कुछ शब्द है परमानेंटली, वो परमानेंटली शब्दों में से आते हैं, और राघव प्रकाश में ये शब्द दिए हुए हैं। और राघव प्रकाश की जो बुक है व्याकरण की आती है विशेष रूप से, उस बुक से अगर शब्द शुद्धि वाला किया जाए, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी वैसे बेटर तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो इजी भी है बच्चों के लिए, अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसके साथ अगर कोई पढ़ना चाहे तो राघव प्रकाश से पढ़ सकता है। उपसर्ग, प्रत्यय, ये संधि, समास, इन पर इनमें जो है विलोम है, युगम शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, मुहावरे, कहावत है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, और ये है। और एक आधा सवाल भी आप इस पर डिस्कस कर लो, क्या है? हाँ, कोई भी एक सवाल देख सकते हैं हम, ये तो संस्कृत है जी। जैसे ये आ गया कि बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर दो जो तरु छाया लिखा हुआ है वो गलत है, और उसमें संधि की वजह से च का आगम हुआ है, आधा च आएगा इसमें, जैसे सी ऑप्शन सही है। तो ये आपको अगर प्रैक्टिस है तो कर सकते हो। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? शुद्ध शब्द होना चाहिए, शुद्ध शब्द अगर लिखना आता है तो ही सही होगा, कवयित्री होता है, क फिर व और ही आती है छोटी, और त्री, कवयित्री। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों की अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपके सही हो जाएगा। और वाग्जाल है, तो इसको, तो इस संधि को अगर हम कुछ बोल करके करना चाहे, अगर अपने को नहीं आ रहा है फिर भी बोले ना बार बार, अगर 5-6 बार बोले वाग्जाल 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 वाग्जाल, तो वाक और जाल दोनों बन जाएंगे। इस प्रकार से भी हम इनको कर सकते हैं। तो हिंदी के सवाल तो आपके बिल्कुल आसान आने वाले हैं, और सारे जो एसटीसी का, जो ये बीएसटीसी का जो ये पेपर है, ये बिल्कुल आपका आसान है, 12th लेवल का ही है, आप कर सकते हो आराम से, इसमें कोई आपके प्रॉब्लम, इसमें भी आप मॉडल पेपर कर लेना, और टेस्ट पेपर जितने ज़्यादा दोगे उतना ही फायदा होगा। इसके साथ साथ आप जो गाइड है वो ले आओ, और अभी से तैयारी शुरू कर दो। और ये कहा जाता है कि उड़ान हमेशा हौसलों की होती है, पंखों में तो क्या है वो तो फड़फड़ाते रहते हैं। तो हौसले हमेशा बुलंद रखने हैं, आगे बढ़िए और आनंद बनाइए। नमस्कार।